करवा चौथ पर पति ने रखा व्रत, पत्नी की लंबी आयु के लिए पति ने रखा व्रत, पति भी रखें करवा चौथ का व्रत, समाज सेवी सुरेश भारतीय। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। जब स्त्री और पुरुष शादी के बंधन में बनते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में कई सारी उम्मीदें होती हैं। शादी के रिश्ते में पति पत्नी को बराबर की भूमिका निभानी होती है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में भी खाते हैं। अयोध्या रामनगर के समाज सेवी सुरेश भारतीय ने ऐसे ही अपनी पत्नी का सिर्फ सुख दुख में ही नहीं बल्कि करवा चौथ का व्रत रखने में भी 40 साल से साथ दे रहे हैं। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास करती हैं। करवा चौथ के दिन विधिवत पूजा के बाद महिलाएं रात को चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। जहां एक तरफ सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो वहीं रामनगर कॉलोनी के रहने वाले समाज सेवी सुरेश भारतीय ने भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा के बाद चांद देखकर व्रत तोड़ा। सुरेश भारतीय ने बताया कि मैं अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए पिछले 40 साल से करवा चौथ का व्रत रखता हूँ और हम दोनों चांद देखने के बाद एक दूसरे को जल पिलाकर व्रत तोड़ते हैं। जो महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं लंबी उम्र के लिए, तो पति को भी तो कुछ चाहिए ना कि अपनी औरत के लिए, जब पत्नी नहीं रहेगी तो फिर जेंट्स रखेगा क्या। तो हम भी 40 साल से अपनी वाइफ के लिए व्रत रखते हैं। मैं पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि पत्नियाँ तो लंबी उम्र के लिए अपने पति की उम्र के लिए बहुत व्रत रखती हैं, लेकिन मैं पूरे भारतवासियों को कहूँगा कि जेंट्स भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखें, क्योंकि मैं एक पहला पुरुष हूँ जो मैं 40 साल से अपनी पत्नी के लिए भी व्रत रखता हूँ कि उनकी भी शुभकामनाएँ हो, उनकी भी सेहत ठीक रहे। क्योंकि जब हम लोगों ने साथ फेरा लिया है तो वो हमारे लिए मरती हैं, हम उनके लिए मरते हैं। आज मैंने, मेरी वाइफ ने भी चांद देखा, मैंने भी चांद देखा, मैंने उसको पानी पिला के मिठाई खिला के व्रत तोड़ा, उसने भी मुझे खिला के व्रत तोड़ा। मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ, जितनी भी महिलाएँ जितने भी जेंट्स हैं, करवा चौथ की सबकी लंबी उम्र हो, लेकिन महिलाएं कहती हैं पुरुषों की लंबी उम्र हो। क्या जेंट्स नहीं चाहेंगे कि हमारी महिलाओं की भी लंबी उम्र हो? मैं पूरे भारतवासियों अयोध्या वासियों कहना चाहता हूं कि जेंट्स भी व्रत रखें और अपनी महिलाओं के लिए भी उम्र की कामनाएं करें कि उसकी भी लंबी उम्र हो। सुरेश भारती, अयोध्या, फैजाबाद। समाज सेवी सुरेश भारतीय ने पत्नी के लिए व्रत रखकर ये साबित कर दिया कि अर्धांगिनी का वास्तव में मतलब क्या होता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं। ये खबर हमारे संवाददाता आजम खान ने कवर की है। आपको हमारी पेशकश कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।